हम अब आज स्टार्ट करने हैं हमने डायबिटीज। अब डायबिटीज का ऐसे है कि पहले तो ये जो आपके बॉक्स बना होते हैं ना हर चैप्टर के पहले, ये तो आपने ना रट लेना है इसको। मैं आपको हर बात जो है ना आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ ताकि आपकी जो तैयारी है ना वो फिट किस्म की हो जाए। आपने ये जो है ना किसी चैप्टर का जो हम पढ़ते हैं वो नहीं छोड़ना। इनके बेशक आप इस तरीके से करें कि खुद से जब याद करें तो सारे जो है सारे चैप्टर्स की इस तरीके से ड्रॉ करके रख लें एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। पहले हम आज बात करेंगे कि डायबिटीज के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक इंसुलिन टाइप की होती हैं, एक नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं। तो जो इंसुलिन वाली होती है ना उनमें आगे तीन तरह की हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्शन। अच्छा, अब कुछ ड्रग्स होती हैं उनका शॉर्ट एक्शन होता है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी लगाई है तो अभी से आधे घंटे तक के लिए वो असर देगी अपना, उसके बाद उसका असर खत्म हो जाएगा यानी उसका एक्शन खत्म हो जाएगा। फिर आएंगे इंटरमीडिएट जो थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए, फिर होती है एक लॉन्ग या स्लो एक्टिंग। स्लो एक्टिंग का मतलब ये है कि वो आराम आराम से एक्शन शो करेंगी लेकिन उनका होगा देर पा इफेक्ट, ठीक है। तो आज पहले हम अपनी इंसुलिन वाली ड्रग डिस्कस करेंगे, तो अभी हम इस बॉक्स को यहीं रखी डिस्कस करते हैं अभी हम। चल जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं मुन्ना वालेकुम भुट्टा ने सलाम। फी खाई उसकी उसको ऐड करना। मैंने मैमूना को कर लिया था ऐड। अच्छा दोबारा अच्छा देखती हूँ, एक मिनट। नहीं, दो आए हुए हैं और भी यार। ये दो बच्चे जो थे मैंने इनको एक्सेप्ट कर लिया था दोनों को, ये जो नजर आ रहे हैं आपको भी स्क्रीन पे आ रहे होंगे शायद कि नहीं आ रहे, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया था। नहीं ये मेरे ख्याल में लीव कर गए हैं दोबारा और फिर आए हैं, तो आप लोग लीव ना किया करो बार बार, फिर वो फिर इशू होता है। अच्छा एनीवेज, अगर किसी का आपको पता लगे ग्रुप में कोई आ रहा है कोई कह रहा है कि उसका ऐड नहीं हो रहा तो मुझे फिर चैट में इसी तरह बता देना आप लोग। अच्छा अब ऐसे है कि डायबिटीज जो है ना इसकी चार किस्में हैं। हमारी जो मेजर कंसर्न है ना इस चैप्टर में वो टाइप 1 या टाइप 2 के साथ है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं जिसमें अदर्स एक टाइप कह देते हैं जो इन दोनों से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद गेस्टेशनल डायबिटीज होती हैं, वो कौन सी होती हैं जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अक्सर लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बहुत हाई रहने लग जाता है, तो उस केस में जो होती है डायबिटीज उसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। तो हमारा फोकस जो है ना सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 पे है। अच्छा अब होता क्या है कि जो टाइप 1 होती है ना ये तो आपको पता है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है इसमें, किसकी, पेंक्रियाटिक बी सेल्स की या बीटा सेल्स की। आपको पता है कि यही सेल्स होते हैं सिक्रीट कर रहे होते हैं इंसुलिन। तो जब एक ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है यानी उसके जेनेटिक्स में ही इस तरीके से हो रहा है काम के जेनेटिक्स में ही ऐसे है कि इंसुलिन की सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली उस बंदे में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा और उसको एक्सटर्नली यानी बाहर से लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये होता है कि जो टाइप 2 होती है ना, ये तो आपने समझ लिया कि टाइप 1 जो है वो तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर कह लो ना आपके, वो तो आपके मतलब जिस बंदे को होगा उसको बचपन से ही होगा। लेकिन जो टाइप 2 होगी ना वो होती है कि इंसुलिन की जो है ना मतलब उसके रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है टाइप 2 इज ए प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिमिनिश इंसुलिन सिक्रीटरी कैपेसिटी। इसमें क्या है कि या तो उस बंदे के अंदर जो सिक्रीट करने की कैपेसिटी है इंसुलिन की वो कम हो जाएगी, या फिर क्या होगा कि इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन वो इस काम की नहीं है कि वो ग्लूकोज को रेगुलेट या कंट्रोल कर सके, ठीक है। अच्छा उसके बाद उसने यही बताया कि जाहिर बात है जब ये वाली दो कंडीशन होती है, ये किस केस में होते हैं, जब ज्यादातर तब होता है जब ओबेसिटी होती है, और ये ओबेसिटी आपको पता है कि आज के दौर में जंक फूड की वजह से इतनी ज्यादा जो है
प्रिवेल कर गई है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, तो इतना नहीं है, लेकिन अमेरिकन या यूरोपियन आप देखें उधर इतना ज्यादा मोटापा है कि मतलब वहां पे इवन बच्चों में बहुत ज्यादा है हमारी एज के, और हमारी जैसे छोटे मतलब टीन एजर्स में बहुत ज्यादा मोटापा है, जिसकी वजह से अर्ली स्टेज पे ही उनको जो है डायबिटीज 2 भी होने लग जाती है, टाइप 2 होने लग जाती है। तो वो यहीं पे ये सारी उसने बात इसमें यही की हुई है। अच्छा आगे वो ये क्या कहते हैं कि जो क्लिनिकल हिस्ट्री है या कोर्स है जो आप इन दोनों टाइप्स के लिए लेते हैं वो डिफर करता है। क्यों डिफर करता है? जाहिर बात है आपको पता है कि इन दोनों का जब कॉज डिफरेंट है, जब इन दोनों की रीजंस डिफरेंट है, तो जाहिर बात है उसके लिए आपको जो ट्रीटमेंट देनी होगी वो भी आप डिफरेंट दोगे ना, आप उस पेशेंट के अकॉर्डिंगली लोगे। आप ये तो नहीं करोगे कि बेशक इंसुलिन कम है लेकिन आप ये तो नहीं करोगे कि टाइप 1 को टाइप 2 वाली जो है दवाइयां देने लग जाओगे। टाइप 1 जो है वो तो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, उसको आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करोगे। अच्छा अब वो एक बात यहाँ पे करता है जो इम्पोर्टेंट है, बट ट्रीटमेंट बोथ केसेस केयरफुल अटेंशन टू डाइट फास्टिंग एंड पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इन दोनों केसेस में आपने क्या करना होता है कि जो ट्रीटमेंट देनी है वो डाइट के अकॉर्डिंग देनी है। आपको पता है डाइट कंट्रोल करने का कितना कहा जाता है, आपको देखा होगा आपने इर्द गिर्द के जब किसी बंदे को डायबिटीज होने वाली होती है, यानी वो प्री डायबिटिक होता है, यानी उसकी अपर लिमिट क्रॉस होने वाली होती है, तो डॉक्टर उसको पहले ही कहते हैं कि भाई अपनी डाइट से कंट्रोल करो, दवाइयां खाने से बेहतर है तुम अपनी डाइट से कंट्रोल कर लो। तो वही वो कह रहा है कि डाइट केयरफुल अटेंशन देनी पड़ती है। अच्छा ये पोस्ट प्रांडियल क्या होता है? मतलब ये खाने के बाद जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं खाने के बाद अपने आधे घंटे बाद शुगर टेस्ट करते हैं, वो क्या होती है कि वो खाने से उसकी शुगर लेवल में कितना इंक्रीज आया है वो देखने के लिए। एंड सीरम कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन A1C। जी 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 बोले बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। अच्छा मैंने ज्वाइन, ये कुछ बच्चे बार बार इनका लीव क्यों हो रहा है मुझे ये नहीं समझ लग रही। मैंने फिर से इन बच्चों को ज्वाइन एक्सेप्ट किया इनका। एनीवेज अभी वो नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा चलो मैं कर लिया मैंने दोबारा, पर ये तो हमारा फिर बड़ा मसला रहेगा कि बार बार मुझे नीचे करके देखना पड़ेगा। अच्छा मैं आगे बताने लगी थी कि अब ऐसे होता है कि सीरम कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, अच्छा ऐसे ना करूं कि मैं चलो बल्कि महम होती है ना, महम की तबीयत दरअसल ठीक नहीं है आजकल, तो इसलिए वो थोड़ा मैं उसको कह रही हूँ कि ना ही वो स्ट्रेस ले। एनीवे चलो हम इसका भी हल कुछ निकाल लेंगे। अच्छा हीमोग्लोबिन A1C, आपको पता हीमोग्लोबिन HbA1c, वैसे आप बड़ा इसको आयरन से रिलेट करके आप सुना होगा बंदे का HbA1c कम है और ये है वो है, तो यहाँ पे जो है ना हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, यहाँ पे हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो इसका जो ये जो कंसंट्रेशन होती है ना ये भी हम नोट करते हैं उस पेशेंट पे, क्योंकि ए ग्लाइकोलाइसिड हीमोग्लोबिन दैट सर्व एज ए मार्कर ऑफ ग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया क्या होता है किसी को पता है? ग्लाइसीमिया होता है कि ब्लड के अंदर जितना ग्लूकोज का लेवल है, तो वो कह रहे हैं ये एक मार्कर के तौर पर ये जो सब्सटेंस है जो हीमोग्लोबिन A1C है ये एक मार्कर के तौर, मार्कर क्या होता है कि मतलब एक निशानदेही करने के लिए ग्लाइसीमिया की निशानदेही करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो इसका लेवल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा ये आपने बात, ये जरा डिफरेंट है तो आपने शायद पहले इसको ना पढ़ा, बाकी तो आपको तीनों बातें पता ही होंगी कि डाइट को करते हैं और फास्टिंग से करते हैं और इस तरह। अच्छा आगे उसने यही बात की हुई है कि जी टाइप 1 जो होती है
उसको हम इंसुलिन से करते हैं, जो टाइप टू होती है उसको हम यूजली नॉन इंसुलिनिक एंटी डायबिटिक ड्रग से करते हैं। लेकिन जो पेशेंट होते हैं जो लेटर स्टेजेस पे होते हैं टाइप टू डायबिटीज की, उनको हम समटाइम हमें इंसुलिन भी देनी पड़ जाती है जब उनकी कंट्रोल नहीं हो रही होती। अच्छा, ये तो था ओवरव्यू। आगे जो आपका आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन इटसेल्फ क्या है? इंसुलिन जो है ना एक प्रो हार्मोन है। आपको पता है प्रो हार्मोन क्या होता है? किसी को पता है तो मुझे वो बता दे। जो कि उसकी कंप्लीट सिंथेसिस से पहले वाला जो उसका मतलब सबस्ट्रेट कह लें या फिर उसकी कंप्लीट सिंथेसिस से पहले वाला जो कंपोनेंट होता है उसको दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरीके से जिस तरह से प्रो हार्मोन होता है ना, इसी तरीके से प्रो ड्रग्स भी होती हैं। वो भी आपने शायद पढ़ी होंगी अगर आपने पहले मतलब क्लास वगैरह में फार्मेसी में अपना कभी गौर किया हो फार्मा में, कि प्रो ड्रग्स भी होती है प्रो हार्मोन। मतलब कि जो एक्चुअल ड्रग है जिसने आपका वो क्या कहते हैं रिस्पांस देना है या जिस चीज ने असल में एक्शन जाके शो करवाना है, उस चीज से पहले वाली एक चीज यानी कि उसका एक कह लो के एक फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक चीज है वो आपकी बॉडी में अंदर गई है और उसका अपना कोई एक्शन नहीं है, लेकिन वो अंदर जाके कोई ऐसी चीज में कन्वर्ट हो जाती है जिसका आगे रिस्पॉन्स है, तो उस ड्रग को जो पहले वाली ड्रग है उसको हम कहेंगे प्रो हार्मोन या प्रो ड्रग अकॉर्डिंग टू व्हाट इट इज। ठीक है, अगर वो हार्मोन है तो प्रो हार्मोन कहेंगे, अगर वो ड्रग है तो प्रो ड्रग कहेंगे। तो यहाँ पे प्रो हार्मोन हम उसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका अपना कोई एक्शन नहीं है, लेकिन जब वो बॉडी में जाएगी तो वो किसी एक ऐसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगी जिसका एक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं प्रो इंसुलिन क्या है। प्रो इंसुलिन जो होती है वो ये है कि इसके 86 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड वही मतलब के पेप्टाइड की चेन्स होती हैं उसमें। अच्छा, आगे क्या है कि ये जब क्लीवेज होता है इसका, वही बात जो मैं आपको बता रही थी तब से, कि इस चीज की प्रो इंसुलिन की जब वो टूटेगा किस में, दो चेन्स में टूट जाएगा वो एक। अब टोटल आपको पता है हमारे पास 51 अमाइनो एसिड थे। ठीक है ना, तो वो चेन जब वो टूटेगी तो एक जो चेन बनेगी उसमें 51 होंगे और दूसरी में 31 होंगे, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, ये आपके 86 बन जाएंगे टोटल जब उस तरीके से आप उसको ऐड करेंगे। अच्छा, और इसके अलावा क्या होगा कि इसमें अब ये जो आपको पता है ये वाला जो है ना आपकी प्रो इंसुलिन, इसका कोई एक्शन नहीं है, ना ही ये जो आगे आपकी बन रही है 31 अमाइनो एसिड रेजिडुअल सी पेप्टाइड, इसका भी कोई एक्शन नहीं है। एक्शन किसका है? 51 पेप्टाइड इंसुलिन, नाम से जाहिर हो रहा है कि इंसुलिन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्शन जो है इसका होगा, वो ही इसने बात की कि बाकी दोनों का कोई एक्शन नहीं होगा, उनका एक्शन होगा। अच्छा, आगे वो क्या कहता है कि इसके इफेक्ट्स किस तरह है। अब इफेक्ट्स इस तरह आते हैं इंसुलिन का, हर किसी को पता है इंसुलिन हम क्यों यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज की रेगुलेशन नॉर्मल करने के लिए। अच्छा, इंसुलिन हैज इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑन ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी व्हेन एक्टिवेटेड बाय हार्मोन द इंसुलिन रिसेप्टर ए ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रायोसिन काइनेज फॉस्फोरिलेट इटसेल्फ एंड वैरायटी ऑफ। अच्छा, ये जो सारा मैकेनिज्म है ना, यानी कि वो काम किस तरह करता है, ये मैं आपको इधर बना के समझाती हूँ। अच्छा, ऐसे है कि ये देखें आपके पास इंसुलिन का, यहाँ पे मैं आपको ना ये कल वाला हमारा लेक्चर था मैं जरा, हमारे पास ऐसे है कि इंसुलिन का मॉलिक्यूल है। अब ऐसे है कि आपके पास एक रिसेप्टर है जिस पे इसने बाइंड होना है आपके। अब ये ड्रग इस पे जाएगी, बाइंड होगी और क्या करेगी कि यहाँ पे जाके ये जो एंजाइम है इसका नाम क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है, जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब के ये अगर मेम्ब्रेन है तो मतलब मेम्ब्रेन के आर पार को पूरा रिसेप्टर लगा हुआ है। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है।
और ये ट्रायोसिन काइनेज एंजाइम का अपना नाम है, ठीक है, पूरा नाम इसका ये है। ये क्या करेगा, जब ड्रग इसके साथ इधर आके अटैच होगी तो ये क्या करेगा, अपने आप को फॉस्फोरिलेट कर लेगा, यानी फॉस्फेट जो है उसमें ऐड करेगा। और ए वैरायटी, अब ये जब जब ये काम होगा ना, जब अटैचमेंट से फॉस्फोरिलेशन का काम होगा तो इससे क्या होगा, आगे आगे इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्सेज आएंगे। वो रिस्पॉन्सेज कैसे हो सकते हैं, वो आपको पता है कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन जब क्या कहते हैं, जी जी कुछ लोगों का फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा ये तो बड़ा मसला है फिर। अच्छा मुझे भी तो नहीं किसी का आ रहा रिक्वेस्ट वाला, मुझे अभी किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई भी। एनीवेज हम अपना पढ़ते हैं, अभी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, अभी किसी की नहीं आई। अच्छा 40 स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल में, पूरे ही होंगे। अच्छा ये इंटरसेलुलर रिस्पॉन्सेज जो है ना हमारे पास, ये जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। इंट्रासेलुलर जो है ना, सेल के अंदर जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगे वो जनरेट हो जाएंगे, जो उसके हार्मोन के अटैचमेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, वो हार्मोन जो होगा अपना एक्शन शो करेगा। और इन दिस केस इंसुलिन का क्या एक्शन था, आपको पता ही है कि ग्लूकोज की रेगुलेशन करवाना, यानी उसको मैनेज करना कि उसने किस तरीके से उसको स्टोर करवाना है, उसकी कन्वर्जन करवानी है, एक्सेट्रा, ठीक है। सिंपल सा एक मैकेनिज्म है, इंसुलिन आएगी, ये एंजाइम जिसका नाम क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रायोसिन काइनेज, उसको फॉस्फोरिलेट कर देगी, और फॉस्फोरिलेट करने से यानी क्या होगा, इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्सेज होंगे, और इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्सेज में क्या होगा कि वो जो हमारी इंसुलिन है वो अपना एक्शन शो करेगी। आगे अब ये क्या है कि जो आपका लिवर है ना उस पर हम इसके इफेक्ट में, अब लिवर पे इफेक्ट किस तरह, अब ये मीटिंग का भी हमारा जो है ना टाइम थोड़ा सा ही रह गया है, 5 मिनट हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। एनीवेज लिवर जो है उसमें किस तरीके से होता है कि जब इंसुलिन, सब कुछ स्क्रीन शेयर हो रही हो गया ही हो, इंसुलिन जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है जो स्टोरेज हुई, जो स्टोरेज करवाता है, जो ग्लूकोज हमारे पास ज्यादा हुआ हुआ है ना सेल ब्लड के अंदर, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। आपको पता है ग्लाइकोजन जो है वो एक स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लूकोज की। अच्छा इसके साथ क्या होता है कि जब ये वाला काम करवाना होता है ना, यानी उसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाना होता है, तो उसने क्या करना होता है कि ये चीज जो है इन्वॉल्व करती है, दिस थिंग इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ एडिशनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा अब आपने याद रखना है कि जब लिवर के लिए वो बात करता है तो वहां पे ग्लू2 जो है, ग्लू2 क्या है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है, यानी कि समझ लें कि मेम्ब्रेन के अंदर एक ऐसी चीज है जिसने जिसके थ्रू ग्लूकोज ने जाना है, यानी समझ लें कि मेम्ब्रेन के अंदर एक दरवाजा बना हुआ है जिसका नाम ग्लू2 है, और उसके थ्रू जो है ग्लूकोज ने अंदर जाना है। अच्छा ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ना ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, उसकी वजह से ये सब हो रहा है कि वहां पे ये ग्लू2 जो है ये एक इंसर्ट हो जाता है उधर सेल मेम्ब्रेन में जाके, और उसके बाद क्या होता है कि वहां पे सिंथेसिस होती है मुख्तलिफ एंजाइम्स की। ये सारे आपने एंजाइम्स पढ़े होंगे ग्लूकोज रिलेटेड, जो भी पाथवेज होते हैं ग्लाइकोलिसिस वगैरह में, पाइरूवेट काइनेज और फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, इन सब की जो है वो सिंथेसिस करवाता है। इसके अलावा और बहुत सारे एंजाइम हैं जिनकी वो इनहिबिशन भी करवा रहा होता है, इनको सप्रेस भी करवा रहा होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने काम करना होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का। यानी इसका उसने आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में वो कैसे कन्वर्ट, उसने आपको बताया कि ये जब होता है ना ये काम तो इस तरीके से कुछ एंजाइम जो है वो इंक्रीज करवा रहा होता है, कुछ एंजाइम जो होता है उनको डिक्रीज करवा रहा होता है, जस्ट टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन का ना सिर्फ ये काम है लिवर में, बल्कि लिवर में वो जो है डिक्रीज करता है किसकी, सिंथेसिस को,
प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज करता है। अब आपको पता है कि प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होती हैं तो वो भी जो होता है उससे भी आगे जो आपको पता है कि वो हम ग्लूकोज वगैरह जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस वगैरह से हम जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, तो यहाँ पे वो जो है प्रोटीन जो टूट फूट है उसको भी कम करवाएगा। ठीक है, आगे जो है हम पढ़ते हैं स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स में किस तरीके से काम होता है? स्केलेटन मसल में आपने ये याद रखना है कि जब लिवर में GLUT2 जो था वो ट्रांसपोर्टर काम कर रहा था तो ओके चेक कर ले रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कोई मुझे देख के बताए जरा। जी हो रही है। ठीक है जी, अपनी अच्छा, हो रही है। अच्छा अब जो है हमने स्केलेटन मसल्स की बात करनी है। स्केलेटन मसल्स में क्या होता है कि स्केलेटन मसल्स में भी आपको पता है ग्लूकोज बहुत रिक्वायर होता है आपकी वैसे नॉर्मली जो होता है आपको फंक्शनिंग के लिए, तो अब यहाँ पे जब एक्सेस हो जाएगा आपके पास तो क्या होता है कि इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है वही प्रोसेसेस के ग्लूकोज की कन्वर्जन प्रोटीन्स में, प्रोटीन की कन्वर्जन ग्लूकोज में, वो सारे पाथवेज जो है। अब यहाँ पे क्या केस है कि हमारे पास ग्लूकोज ज्यादा हुआ है तो हमने उसको बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, तो इसीलिए हम यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कर रहे हैं और फिर उसको प्रोटीन सिंथेसिस भी कर रहे हैं, ग्लूकोज से बनवा रहे हैं। ठीक है, आगे उसी तरह ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू मसल सेल इज फैसिलिटेटेड बाय इंसर्शन ऑफ GLUT4 ट्रांसपोर्टर इनटू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा यही आपने बात याद रखनी है कि उधर जो था हमने GLUT2 की बात की थी लिवर में, इधर हमने GLUT4 हमारे पास ट्रांसपोर्टर होगा जो ये काम करवा रहा होगा, मतलब के ग्लूकोज को ब्लड में से उठा के सेल्स के अंदर लेके जा रहा होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा होगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा रहा होगा और वो जो प्रोसेस होगा वो सारा चल रहा होगा। इसी तरह एडिपोज टिश्यू, आपको पता है ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं तो सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेकिन इनकी आपस में इंटर कन्वर्जन हो सकती है, जैसा प्रोटीन्स की ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वगैरह इनकी सबकी आपस में इंटर कन्वर्जन होती रहती है डिफरेंट पाथवेज में। आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मुझे नहीं ख्याल कि मुझे दोबारा बताने की जरूरत है वो सब। तो आपको पता है कि जब ये जो इंसुलिन होता है ये फैसिलिटेट करता है ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है, अब ये एक लाइपेज, अब एज इट्स नेम इंडिकेट कि ये एक एंजाइम है। ठीक है, ये जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करवा इंसुलिन जो है फैसिलिटेट करवाएगा ट्राइग्लिसराइड की स्टोरेज में, और इस तरीके से किस एंजाइम के थ्रू, जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होगा उसका नाम होगा लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है, इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब फिर वही बात कि ये सब जो हो रहा है उसमें एक ट्रांसपोर्टर भी इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे फिर GLUT4 इन्वॉल्व है, यानी GLUT4 जो है वो ब्लड में से उठा उठा के, क्योंकि हमें पता है ग्लाइसीमिया हुआ होता है ना डायबिटीज में, यानी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो ज्यादा हुआ होता है, तो उसने उधर से उठा के सेल्स में लेके जाना है किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, GLUT4 के थ्रू लेके जाना है। और आपको पता है ये सारी जो इंटर कन्वर्जन हो रही होती है ये सेल्स के अंदर ही हो रही होती है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट पाथवेज कंडक्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है GLUT4 फिर ट्रांसपोर्टर जो है लेके जाता है और जो है वहां जाके रिड्यूस करवाता है इंट्रासेलुलर लिपोलाइसिस। ठीक है, लिपोलाइसिस मतलब जो लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है उसको कम करवाते हैं, यानी स्टोर कर, असल में मकसद क्या है उसको, छोटे ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल है ना कार्बोहाइड्रेट का, उसको बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करवाना है, जिस तरह ग्लाइकोजन हो गया कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, लिपिड्स वगैरह हो गए ये इस फॉर्म में, मतलब लिपिड्स या फैटी एसिड्स वगैरह की फॉर्म में, जिस तरीके से जब जाता है फैटी एसिड छोटा है, लिपिड जो होते हैं वो बड़े यूनिट्स होते हैं, इसी तरीके से प्रोटीन जो होता है वो बड़ा यूनिट है, अमाइनो से छोटा है, तो ग्लूकोज को प्रोटीन में वो कन्वर्ट करवाएगा। तो मुख्तलिफ तरीके से वो इंसुलिन क्या करवा रहा है, बस उसका ये काम है कि उसने सीरम या ब्लड में से ग्लूकोज को उठा के उसने मुख्तलिफ जगह पे स्टोर करवाना है, ये उसका काम है।
तो वो हमने सारा पढ़ा है कि वो किस तरीके से, ये वैसे आपका आपने इसको रीड करना है, इसको समझना है, पढ़ना है, कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछना है। लेकिन आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इंसुलिन प्रिपरेशन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्रिपरेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि ह्यूमन इंसुलिन जो है किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। आपने ये मुझे याद पड़ता है, हमने FSC सेकेंड ईयर में पढ़ा था बैक्टीरियल रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का, किस तरीके से हम जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाते हैं, हम उसके जो बैक्टीरिया की जो DNA होता है उसमें अपना इंसुलिन वाला जीन इंसर्ट करवा देते हैं, और उससे क्या होता है बैक्टीरिया जब कॉपीज बनाता है तो हर कॉपी के अंदर वो जो होता है वो सारी जीन ने आगे इनकोड ही करनी होती है ना कोई प्रोटीन वगैरह, तो वो क्या करता है वो बार बार इनकोड करता रहता है इंसुलिन, और हमारे पास इंसुलिन काफी सारी आ जाती है जो हम बाद में कलेक्ट करके ये वॉयल्स वगैरह में या फिर और मार्केट करते हैं, और फिर हम इस तरीके से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको देते हैं। ये मैंने छोटा सा आपको ओवरव्यू दे दिया कि बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी था क्या, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, अब उसने कहा इंसुलिन चार तरह से हमारे पास अवेलेबल होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑनसेट एंड ड्यूरेशन। ऑनसेट क्या होता है, किसी को पता है ऑनसेट ऑफ ड्रग किसको कहते हैं? जब ड्रग एक्शन होती है, शो मतलब रिस्पॉन्स शो करती है। इसका नहीं, इसका मतलब ये होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर देखते हैं एक ड्रग का, अगर कोई बंदा कहता है कि उसका इस ड्रग का डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, मतलब कि अगर आपने उसने उस बंदे ने उस ड्रग को अभी लिया है तो अब से 4 घंटे बाद उसका ऑनसेट हो रहा है। लेकिन एक ऑनसेट का क्या मतलब होता है, जब वो अपना एक्शंस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में अगर एक और ड्रग है उसका 2 घंटे बाद ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी कि स्टार्टिंग ऑफ एक्शन ऑफ दैट ड्रग, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट ड्रग, ठीक है। मतलब कि वो शुरू कब करता है अपना काम, आपने पेन किलर खा भी लिया लेकिन आपको असर जो होगा ना उसका आधे घंटे बाद होगा, वो उसका मतलब आधा घंटे बाद यानी 30 मिनट्स जो है वो उसको लगेंगे, 30 मिनट जो डिले हो रहा है आपके खाने और उसके एक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है कि वो कितनी देर तक करता है। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग जो है वो 4 घंटे तक आपकी दर्द को जो है ना वो कंट्रोल रखती है, तो उसको कहेंगे 4 घंटे जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। अच्छा, अब आगे जो है, एक तो ये हो गया ऑनसेट हो गया, ड्यूरेशन हो गया, उसके बाद क्या है कि वो यही कहता है कि ये हम डिपेंड करता है ना कि अब उस ड्रग का किस तरीके से है, ऑनसेट ज्यादा है कम है, ड्यूरेशन ज्यादा है कम है, इसकी बेस पे ना हमने उसके 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, वो हमने 4 आगे पढ़नी है। अच्छा, यहाँ पे आगे कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बस उसने यही लिखा हुआ है कि हमारा गोल क्या है, हमने क्या करना है, हाइपोग्लाइसीमिया को कम करना है, और हमने जो है इंसुलिन की फॉर्मेशन जो है हमने किस बेस पे किया है, ये आप खुद रीड कर लेंगे, कोई इसमें मसला नहीं। हम आगे चलते हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कौन सी होती है। अच्छा, यहाँ पे लिखे 3 टाइप्स ऑफ इंसुलिन होती है, थ्री इंसुलिन एनालॉग्स होते हैं। इंसुलिन के एनालॉग्स का क्या मतलब है, एनालॉग का मतलब कोई मुझे बताएगा? आवाज नहीं आ रही, कोई बोल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। एनालॉग होता है, एनालॉग का मतलब ये होता है कि आपकी जो ड्रग है, आपका जो बेसिक अंदर जो आपके एक हार्मोन है उसके कंपैरिजन में है वैसी ही चीज, एक जो बाहर से आ रही है लेकिन वो है डिफरेंट, लेकिन उसका एक्शन सेम है। फॉर एग्जांपल एक चीज अगर इंसुलिन है, उसका एक्शन क्या है, ग्लूकोज को रेगुलेट करवाना। एक और चीज आप लेते हो, एक्सटर्नली लेते हो, बाहर से लेते हो, ड्रग की फॉर्म में लेते हो, जाती वो भी वही काम करने है लेकिन है वो कुछ और चीज, वो इंसुलिन नहीं है लेकिन है कोई और चीज, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं किसी चीज का एनालॉग होना, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इंसुलिन लाइसोलेस प्रो जो है ये एक है हमारे पास एनालॉग, इसी तरह इंसुलिन एस्पार्ट एक हमारे पास एनालॉग है, इसी तरह इंसुलिन
ग्लूलाइसिन जो है ये हमारे पास एक एनालॉग है, ये तीन एनालॉग्स हैं। रैपिड एक्टिंग का क्या मतलब है, वो जल्दी जल्दी अपना काम करेंगे। जी जी, ये एनालॉग्स जो ये सिंथेटिक है या नेचुरल है? यार जो हम बाहर से ले रहे हैं ना वो सिंथेटिक होंगे या फिर वो जो होंगे ना नेचुरल के डेरिवेटिव्स होंगे। यानी इंसुलिन जो है वो एक नेचुरल चीज है, ठीक है। अब सिंथेटिक और नेचुरल कहते हैं किसको, पहले आप ये मुझे बताओ। नेचुरल वो होती है जो आपकी बॉडी में खुद प्रोड्यूस हो रही होती है। अगर आप क्या कहते हैं इंसुलिन ही बना रहे हो लेकिन आप वो लैब में बना रहे हो तो आप उसको सिंथेटिक कहोगे ना, आप उसको नेचुरल तो नहीं कहोगे क्योंकि वो आप लैब में बना रहे हो, ठीक है। सिंथेटिक हर वो चीज है जो आप किसी केमिकल प्रोसेस या किसी टेक्निक के थ्रू बना रहे हो, जो आपके अंदर नेचुरली प्रेजेंट है, या आप किसी प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट करते हो या आप किसी एनिमल सोर्स से उसको लेते हो, वो चीजें नेचुरल होती हैं। अगर आप किसी चीज में कोई उसमें केमिकली चेंजेस करते हो या फिर आप लेते हो उसे नेचुरली हो लेकिन उसके अंदर कोई टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज या कोई केमिकल प्रोसेसेस यूज करते हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज सिंथेटिक, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इसमें ये क्या करता है कि जो खाने के बाद जो होता है आपकी ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है उसको कंट्रोल करता है। और इसके अलावा क्या करता है कि यहाँ पे लिखा है दी थ्री रैपिड एक्टिंग इंसुलिन हैव स्मॉल अल्टरेशन इन देयर प्राइमरी अमाइनो एसिड सीक्वेंस। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये तीन जो मैंने नाम बताई है ना जिनके ऊपर जो हमने एनालॉग्स की बात की, ये असल में इनके बस थोड़ा बहुत इनके जो है ना अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में थोड़ा बहुत चेंज है, कोई खास इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या करते हैं सर्कुलेशन में एंटर होता है, एंटर होने के बाद क्या करता है वहां पे इंसुलिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा जाके। जब इंसुलिन रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो क्या होगा कि वहां पे हमारे पास वही काम होगा कि हमारी इंसुलिन जो है वो रेगुलेट करवाएगी ग्लूकोज की। और आगे उसने यही बताया कि ये हम इसे सबकुटेनियस रूट से ज्यादातर देते हैं। सबकुटेनियस रूट से हम इसे इसलिए देते हैं क्योंकि ये देखें यहाँ पे हमने लिखा है रैपिड और या तो इंजेक्ट करते हैं बिफोर उसको मील के, ये आपने देखा होगा सर लोग खाने से पहले जो होते हैं लगा रहे होते हैं। और प्रेफर्ड इंसुलिन फॉर द कंटीन्यूअस सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन डिवाइस। अच्छा, ये एक नई चीज है, ये एक ना नई टेक्नोलॉजी आई है कंटीन्यूअस सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन डिवाइस। ये इन्फ्यूजन आपको पता है वो होता है ड्रिप की फॉर्म में जिस तरह हम जिसको कॉमनली कहते हैं। अब ये एक नई डिवाइस आया है, मैंने यहाँ पे तस्वीर भी निकाल के रखी थी, अगर यहाँ कहीं पड़ी हुई मैं देखती हूँ, अगर ना हुई तो मैं इधर से ये देखें, नजर आ रही है सबको? अच्छा, ये देखें ये कैसा डिवाइस है कि यहाँ से ये आपके साथ ही अटैच होता है और ये नीडल जो होती है ना उस बंदे के इस तरीके से इंसर्ट होती है। ये कोई इतनी वो कोई आप कुछ देखने में तो लग रही होगी कि यार ये हर वक्त उसके लगी रहेगी, लेकिन ये इतनी कोई वो पेनफुल या इतनी कोई वो बुरी चीज नहीं है। बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, यहाँ पाकिस्तान में इतनी नहीं लेकिन बाहर ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है कि ये क्या करते हैं कि वो पॉकेट में आपके ये डिवाइस रखते हैं, उसमें आपके जो होती है ना इंसुलिन का एक मतलब डब्बी सी होती है, उसके अंदर कंटेनर होता है, उसके अंदर वो इंसुलिन होती है और वो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो रिलीज होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता जो होती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती रहती है और वो आपकी अकॉर्डिंगली होती है, आपकी ग्लूकोज लेवल जितना सीरम में होता है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने खाना खाया तो ज्यादा खाया है या फिर आपका आपने कुछ मीठा ज्यादा खा लिया तो आप खुद से भी उसको ज्यादा कम कर सकते हैं। ये होते हैं कि क्या कहते हैं इसको कॉन्टिन्यूस सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन डिवाइसेस, इन डिवाइसेस को कहते हैं। ये कैनुला की तरह जो है ना अंदर इंसर्ट नीडल करके ये लग जाता है और नीडल जो है ये अंदर ही रहती है, ये इतनी वो नहीं होती कि हिल जाएगी तो कहीं और वो कोई रप्चर कर देगी या कोई ऐसा मसला नहीं होता, ये बहुत बारीक सी होती है और ये कुछ अरसे बाद इसको रिप्लेस भी करते रहते हैं, ठीक है। ये उसकी बात कर रहा था वो। दे आर ऑल्सो दे कैन ऑल्सो बी यूज एज द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ अनकम्प्लिकेटेड डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। अच्छा, अब ये क्या होता है कि जब आपके पास ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है ना तो क्या होता है कि आपका जो अंदर बॉडी में जो क्या कहते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं ना उनकी बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है, यानी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ योर हाई शुगर लेवल।
शुगर लेवल ज्यादा होना कोई अच्छी चीज नहीं है, अगर आपकी इंसुलिन नॉर्मल भी चल रही है ना, अगर आप फिर भी आपकी लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो आगे कीटोन बॉडी जिनको आप नॉर्मली आपने पैथो में भी पढ़ा होगा, कीटोन बॉडीज बनती है, एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं वो, और वो क्या कहते हैं, वो डेंजरस लेवल तक भर जाते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो ये भी उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हैं, कौन सी वाली, रैपिड, क्योंकि अच्छा अब ये होता है कि अब जब इसमें जो है वो कीटो एसिडोसिस जो होती है उसके लिए भी हम ये ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट मैं इस देख लूं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब आगे जो है हमारे पास है शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग में कौन सी आ जाती है कि रेगुलर इंसुलिन आ जाती है, रेगुलर इंसुलिन एक नाम है उसका, ये आप वैसे जनरली रेगुलर ना समझे कि वो रेगुलर है तो इसलिए इसके, तो ये नाम है इंसुलिन की टाइप का रेगुलर इंसुलिन, जो कि हम इंट्रावेनस देते हैं या फिर सबकुटेनियस देते हैं, और इसका भी यही इसने बताया हुआ सारा कि इसका जो है प्रिपरेशन जो है हम इसको मिक्स करके देते हैं या तो इंटरमीडिएट वाले के साथ या फिर लॉन्ग एक्टिंग के साथ। जाहिर बात है आपको अगर शॉर्ट एक्टिंग होगी थोड़ी देर के लिए वो असर करेगी, लेकिन अगर आपको लॉन्ग भी चाहिए तो आप दोनों इकट्ठी भी दे सकते हैं ताकि उसको जल्दी से भी असर हो और देर पर असर भी हो। अच्छा इसमें उसने एक बात की हुई है कि यहाँ भी था हाँ कि ये जो शॉर्ट एक्टिंग होती है ना, इनको रिक्वायर होता है कि वो एक घंटा पहले आप उनको लो अपने खाने से, ठीक है, एक घंटा पहले आप उसका जो है इंजेक्शन जो भी आपने इंट्रावेनस लगा रहे हैं या फिर आप सबक्यूटेनियस लगा रहे हैं, सबक्यूटेनियस ही मोस्टली यूज करते हैं, अंडर द स्किन ही मोस्टली यूज किया जाता है, तो वो यही कह रहा है कि एक घंटा पहले आपने लगाना है इसको। अच्छा इसमें कोई ऐसी समझने वाली चीज नहीं, सिर्फ एक रीडिंग वाला काम है। अच्छा जो आगे समझने वाला आएगा वो हम आगे फिर हम उसको डिटेल से लिख के समझेंगे। अच्छा इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिनका इंटरमीडिएट एक्शन होगा यानी न्यूट्रल, प्रोटामाइन, हेगीड्रॉन, इंसुलिन, ये जो है ये क्या कॉम्बिनेशन है रेगुलर इंसुलिन का और प्रोटामाइन जो है रेगुलर इंसुलिन जो हमने शॉर्ट एक्टिंग में पढ़ी है, ठीक है। प्रोटामाइन एक क्या है, एक बेसिक प्रोटीन है जिसका क्या एक्शन होता है, यूज टू रिवर्स द एक्शन ऑफ फ्रैक्शनेटेड हेपरिन। हेपरिन आपको पता है ब्लड थिनर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। अनफ्रैक्शनेटेड का मतलब ये है कि उसकी फ्रैक्शंस नहीं होती, उसके छोटे पार्ट नहीं होते, बड़ा पार्ट जो होता है मतलब कि मेजर उसका जो होता है मुख्तलिफ किस्म की होती है हेपरिन, उसकी फ्रैक्शनेटेड भी होती है, कुछ अनफ्रैक्शनेटेड भी होती है। तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे होते हैं इस प्रेपरेशन में वो रेगुलर इंसुलिन जो हमने शॉर्ट एक्टिंग में पढ़ा था उसको प्रोटामिन के साथ हम मिला के वो यूज करते हैं, और उससे क्या होता है हमारे पास डिलेड ऑनसेट आता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटरमीडिएट एक्टिंग है तो उसका मतलब है कि उसका ऑनसेट थोड़ा देर बाद होगा, और क्या होगा, और ज्यादा देर के लिए होगा, थोड़ा ज्यादा देर के लिए शॉर्ट एक्टिंग की बजाय, ठीक है। अब आगे क्या है कि ये वो फिर वही बात कर रहा है कि इसको हम रेगुलर या रैपिड एक्टिंग के साथ मिला के देते हैं, वो इसलिए कि अगर देखो फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया अभी लेकिन आपको अभी भी थोड़ी सी जरूरत है इंसुलिन की, अगर वो दवाई घंटे बाद असर करेगी तो आप अभी के लिए क्या करोगे, अभी के लिए फिर आप क्या करते हो उसको कॉम्बिनेशन में देते हो, थोड़ा सा आप उसको रेगुलर या फिर रैपिड वाली में से कोई एक दे दोगे, साथ में उसको इंटरमीडिएट भी दे दोगे ताकि थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी जाए। अच्छा ये जो आगे ग्राफ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, आपको अक्सर बनाना आ जाएगा। अच्छा जब मैं बता रही होती ना इम्पोर्टेंट वगैरह ये लिख लिया करो आप लोगों को, वरना बाद में भूल जाएगा। ये जो ग्राफ है ना इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कोई इम्पोर्टेंट समझने वाली, इसमें सिर्फ उसने यही कहा है कि टाइम नीचे आपको गिवन है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या है कि इन्फ्यूजन रेट है। अब मैंने आपको बताया था कि जब रेट इन्फ्यूजन रेट से क्या मुराद है, कोई मुझे बताएगा रेट से क्या मुराद होता है? पर यूनिट टाइम रेट का मतलब होता है, रेट जहां भी आएगा उसका मतलब है कि रिलेशन टू रिलेशन विद टाइम, टाइम एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा अब ये है कि मतलब कि ग्लूकोज कितनी रफ्तार से आपकी
मतलब बॉडी में जा रही है, मतलब कि एक मिनट में या एक सेकंड में जो भी आपने यहाँ पे यूनिट सेट किया हुआ, यहाँ पे इसने और सेट किया हुआ, घंटा सेट किया हुआ, तो एक घंटे में कितनी रफ्तार से आपका ग्लूकोज जो है मिलीग्राम के लिहाज से कितना जा रहा है, तो ये उसने बताया हुआ। देखो ये हमने पढ़ा था, किसमें था ये आपको याद है? कोई मुझे बताएगा ये किसमें था, कौन से वाली थी ये वाली लाइन, ये सारी तीनों? फास्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, और ये रेगुलर थी कौन सी? शॉर्ट एक्टिंग, और ये एनपीएच कौन सी थी? इंटरमीडिएट, और ये जो आगे है ये अभी हमने पढ़ने लगे हैं, ये है स्लो या डिलेड एक्टिंग। ठीक है, इसमें कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ ग्राफ है जो आपने याद करना है बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। और जो अभी हम कर रहे हैं ना ये इंसुलिन प्रिपरेशन वाला, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लॉन्ग एक्टिंग में क्या है कि इंसुलिन गार्गिन जो है, ये इंसुलिन या इंसुलिन डिटीमीर जो है, ये जो दोनों यूज होते हैं, ये क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंसुलिन दैट प्रोवाइड ए पीक लेस बेसल इंसुलिन लेवल। अच्छा, बेसल इंसुलिन लेवल का कोई मुझे बताएगा क्या होता है? नहीं पता किसी को? अच्छा, दो तरह की यहाँ पे सिक्रेशन की बात होगी जब भी डायबिटीज होगी ना, एक तो होगी जो हमने पहले पढ़ा था पोस्ट प्रांडियल सिक्रेशन, वो कौन सी होती है? जो आप खाने के बाद आफ्टर मील जिसको बात करते हैं वो वाली, और एक होती है बेसल। बेसल होती है जो नॉर्मल कंडीशन में खाने के बगैर भी आपके ग्लूकोज बन रहा होता है उसके लिए आपको रिक्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो ये बात कर रहा है कि जो नॉर्मली आपके रिलीज होता रहता है ग्लूकोज बनता रहता है थ्रू डिफरेंट पाथवेज, उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो है हम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है लास्ट मोर देन 20 आवर्स, ठीक है, 20 घंटे तक जो है इसका एक्शन होता है, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है, ज्यादा देर तक काम करेंगे। ठीक है, सॉरी, अच्छा, विच हेल्प कंट्रोल बेसल ग्लूकोज लेवल विदाउट प्रोड्यूसिंग हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, अब एक ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब आप कह रहे हो कि आप इंसुलिन को मैनेज कर रहे हो, इंसुलिन को दे रहे हो ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए, तो जाहिरी बात है अगर आप उसको ज्यादा दे दोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया भी तो हो सकता है ना, यानी ग्लूकोज जरूरत से भी कम हो जाएगा, फिर क्या आप करोगे? आपको पता है ग्लूकोज हर चीज के लिए आपने इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा ग्लूकोज कौन यूज करता है, कौन सा ऑर्गन यूज करता है, कोई मुझे बताएगा ग्लूकोज किस ऑर्गन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ब्रेन, एग्जैक्टली। तो ब्रेन इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव ऑर्गन रिगार्डिंग इट्स रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, अगर उसको नहीं मिलेगा विद इन सेकेंड इट विल डाई। ठीक है, तो आपको अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना तो ब्रेन बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, ठीक है, तो आप हाइपोग्लाइसीमिया भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो वो कह रहा है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता ये जो आपकी लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम, मतलब इंसुलिन आप दे कैसे सकते हो? अब तीन तरीके हैं इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम के, एक तो सबक्यूटेनियस जो आपने अक्सर देखा होगा अपने किसी दादा अबू दादी में को अगर आपने देखा हो तो वो अक्सर इंजेक्ट कर रहे होते हैं अपने बैली पे, और वो रोज ही तकरीबन खाने से पहले जो होता है कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि वो नीडल या सिरिंज होती है उसकी डिसइंफेक्ट करती हैं हर दफा उसको, और मेरे ख्याल में हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उसको चेंज करना होता है उस सिरिंज को, इस तरीके से डिस्पोजेबल सिरिंजेस होते हैं, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है, पोर्टेबल पेन साइज इंजेक्टर होते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा सम टाइम के वो शुगर टेस्ट करने के लिए होता है ना, एक जो आप बटन दबाते हो तो वो अचानक से वो पेन सी बाहर आती है और आपका ब्लड जो है वो प्रिक कर देती है और आप ब्लड शुगर जो है वो चेक कर लेते हो, उसी तरीके से ये जो है ना आपका क्या कहते हैं आपके पास होते हैं पेन साइज के, पेन की तरह के होते हैं, आप उसको ऐसे करते हो वो आपके जो है इंजेक्ट कर देता है, और उसमें क्या होता है एक कंटेनर होता है जिसके अंदर जो है इंसुलिन फिल हुई होती है, और आप उसको रिप्लेस कर सकते हो जब वो खत्म हो जाएगी, और आप जिसको डिस्पोज भी कर सकते हो अगर वो डिस्पोजेबल वाली तरह की है।
अच्छा अब आगे जो तीसरी टाइप है वो है कॉन्टिन्यूस सबक्यूटेनियस। ये मैंने आपको पहले भी बताया डिवाइस, जो मैंने आपको दिखाई थी ना अभी तस्वीर, ये वही है। इसमें क्या होता है, वही होता है कि इसमें मल्टीपल डोजेस पड़ी होती हैं इंजेक्शंस की, मतलब कि जिन लोगों को मल्टीपल डेली रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ये लगा के रखते हैं ताकि उनको बार बार जो है ना इंजेक्ट ना करना पड़े। तो जाहिर बात है एक दफा लगी हुई है तो वो क्या होगा, उस बंदे की जो है उस बंदे को फैसिलिटेट ही कर रही है ना वो, तो उसको बार बार ना तंगी हो। तो इसमें क्या होगा, वो यही उसमें बता रहे हैं कि वो 24 घंटे तक जो है ना बेसल रेट को जो है वो कंट्रोल कांस्टेंट रखता है, और इसके अलावा आप मैनुअल एडजस्टमेंट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट सच एज बिफोर मील और एक्सरसाइज। ये जो मैंने आपको पहले बातें बता दी वही बता रहे हैं। अब हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं, सबसे प्राइमरी हैजर्ड वही बात जो मैंने कहा, हाइपोग्लाइसीमिया। जब आपके पास ज्यादा ग्लूकोज होगा और आप उसको कम करोगे तो हो सकता है आप उसको जरूरत से ज्यादा कम करो, और क्या होगा, उसने भी वही बात की है, ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि जी आपका जो पेशेंट है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, पेशेंट विद एडवांस रीनल डिजीज और एल्डरली और यंगर देन 7 years आर मोस्टली ससेप्टेबल टू डिटरमिनेंट इफेक्ट्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब वो यही कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक हद तक इफेक्ट्स हो सकते हैं बड़ों को भी, छोटे बच्चों को भी, और उन बच्चों को भी और उन लोगों को भी जिनको रीनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। अब यही है कि आपको जो है ना एक वही बात अगेन एंड अगेन मेडिसिन में, आपको यू हैव टू कीप द बैलेंस। If you will exceed anything, it will be dangerous. If you decrease anything, it will be notorious for you again. ठीक है, both ways जो है ना आपके लिए dangerous है, आपको चाहिए balance. ठीक है, तो उस balance को maintain रखने के लिए आपको सारा देखना पड़ेगा, आपने कितने units देने और कितना करना है सब कुछ। अच्छा, जब time होने लगे ना 40 minutes वाला तो मुझे पहले 2 minutes बता देना ताकि मैं पहले ही कर लूँ। अच्छा, उसके बाद जो है ना आगे क्या है कि वो ये कहते हैं कि अच्छा आपको एक मैं बात बताऊं कि इंसुलिन अब तो आप लेबोरेटरीज में वगैरह में प्रोड्यूस कर लेते हो ना, या और भी चीजें लेबोरेटरीज में प्रोड्यूस हो जाती हैं। पहले जमाने में यानी इन लास्ट सेंचुरी क्या होता था कि लेबोरेटरी, ये DNA टेक्नोलॉजी और ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये वाली चीजें नहीं थी तब। तो तब क्या करते थे, we used to use animals to for the production of insulin, ठीक है, हम animals से insulin लेते थे और उनसे उनमें insulin बढ़ाने वाली कोई दवाई देके जिससे वो ज्यादा होता था उनसे secrete करवाते थे, उनसे blood से, उनसे जो था हम इस तरीके से insulin की production करवाते थे, और वो हम फिर as human use करते थे। यहाँ भी उसने जो बात की है वो उसने बात उस बात के रिलेशन में किया, उसने ये आपको बैकग्राउंड नहीं बताया, लेकिन उसने बात जो यहाँ पे करना चाह रहा है वो यही करना चाह रहा है। The most common form of insulin induced immunological complication is formation of antibodies to insulin or non-insulin protein, ये क्या लिखे है, contaminants, ये क्या होते हैं मुझे कोई बताएगा। अब ये ऐसे है कि अब आप एनिमल से ले रहे हो, आप खुद सोचो कि यार आपको अजीब से उलझन सी नहीं होती कि आप एनिमल से ले रहे हो यार, आप एनिमल से इंसुलिन लेके खुद इंजेक्ट करो, बंदे को सोच के थोड़ा सा ह्यूमन नेचर है कि वो थोड़ा अजीब सा फील करेगा। तो जाहिर बात है एनिमल्स में उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग कुछ चीजें होंगी, कुछ प्रोटीन्स उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग होंगी जो हमारी बॉडी में नहीं होंगी, जो हमारी बॉडी में आके एक कंटेमिनेशन के तौर पर, कंटेमिनेंट्स के तौर पर एक्ट करेंगे, ठीक है ना। और वो जब कंटेमिनेंट्स अंदर हमारी बॉडी में आएंगे तो हमारी बॉडी को तो यही लगेगा ना, वो पूरी की पूरी चीज ही कुछ मसले की है, मसला है उस पूरी चीज में, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, और फिर वो इंसुलिन जो होगी हम या नॉन इंसुलिन जो भी प्रोटीन ले रहे होंगे इंसुलिन जो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस या उसके अगेंस्ट मतलब एंटीबॉडीज हो जाएंगी, तो वो क्या करेंगे उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे, उसको खत्म करने लग जाएंगे, और हमारा ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं होगा। ये उस कंटेक्स्ट में बात वो कर रहा है कि क्या होगा, वहां पे कंटेमिनेशन की वजह से एंटीबॉडी ज्यादा आती थी, लेकिन आगे वो जिसकी वजह से फिर ड्रग एलर्जी या फिर रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ द ड्रग हो जाता था, ये तो मैंने आपको बता दिया। आगे वो क्या कहते हैं, विद द करंट यूज ऑफ हाईली प्योरिफाइड ह्यूमन इंसुलिन,
आपने नोट किया यहाँ पे उसने ह्यूमन इंसुलिन क्यों लिखा है? क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए स्पेसिफिकली बैक्टीरियाज के थ्रू या लैब्स में ह्यूमन इंसुलिन को बनाया जाता है। पहले जो यहाँ पे उसने लिखा है, यहाँ पे उसने कुछ नहीं बताया कि वही ह्यूमन से था या कहाँ से वो ले रहा था। तो यहाँ पे वो अदर रिसोर्सेज से बात कर रहा था, यहाँ पे वो कह रहा है कि जो ह्यूमन से हम स्पेसिफिकली ले रहे हैं ना, उसकी वो बात कर रहा है कि उसमें वो इतनी प्योरीफाइड होती है कि इम्यूनोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज या कॉम्प्लिकेशन होती है ना, वो बहुत ना होने के बराबर होती है। ठीक है, ये है सारी बात। आगे हम बढ़ते हैं नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स। इसमें से उसने नाम बताए हुए हैं कि हम जो है ये हम मोस्टली टाइप टू के लिए यूज करते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि टाइप वन के लिए तो हमें मजबूरी है कि उस बंदे में जेनेटिक डिफेक्ट है तो हम उसको इंसुलिन ही देंगे, लेकिन टाइप टू में हम पहले दूसरी ड्रग्स नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स देंगे। अगर वो काम नहीं करेंगी तो फिर हम जो है आगे इंसुलिन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे उसने सारे आपको नाम बताए हुए हैं कि किस तरीके से होता है। दो मिनट जो है ना आप इसको जो पहले हमने पढ़ा है ना इंसुलिन वाले उसको रिवाइज कर लें। ये आके आके ना हम ये वाला जो है ना ये इंसुलिन सिक्रेटोगोग्स जो है ना इनको हम डिस्कस करेंगे और नीचे वाली डायग्राम्स को पढ़ेंगे और बस यहाँ तक ही हमने पढ़ना है। कहाँ तक भला आज? यहाँ तक, ये जो डायग्राम तक है ना इधर तक हमने पढ़ना है। ये जो बी कैटेगरी है ना कल, ये बी वाली जो है ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी मैं पानी पिया हूँ, मेरा गला बिल्कुल बैठ गया, तो आप तब तक ये पिछला वाला 5 मिनट में रिवाइज कर लो। मैं आती हूँ। अच्छा, अब हम आगे करते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है। ये जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पहले हम वो डिस्कस करेंगे नीचे डायग्राम में। यहाँ पे है, सबको नजर आ रहा है? अच्छा, अब ऐसे होता है कि एक सेकेंड, अच्छा वैसे है कि ग्लूकोज आपकी बॉडी में ज्यादा है, ब्लड में क्या हुआ, ग्लू 2 ट्रांसपोर्टर है वो आएगा और वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज को अंदर सेल के अंदर लेके जाएगा, उधर जाके उसका मेटाबॉलिज्म करवाएगा। आपको पता है ग्लूकोज का क्या काम होता है, एनर्जी प्रोडक्शन, वो मेटाबॉलिज्म करवाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब आगे हमारे पास एक ही होता है पोटाशियम चैनल, इसका क्या काम होता है, इसने जो होता है पोटाशियम को बाहर निकलवाना होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो क्या, अब यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पढ़ के सुनाती हूँ। व्हेन द ये अब जो ड्रग्स हम पढ़ने लगे हैं ना उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। व्हेन द एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन इंक्रीज, ग्लूकोज एंटर द सेल वाया दिस ट्रांसपोर्टर
और मैकेनिज्म थ्रू मेटाबॉलिज्म इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. एटीपी के क्या बात होता है कि ये जो एटीपी डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल का क्या मतलब है, यानी वो पोटाशियम का चैनल जो एटीपी होने की वजह से काम करेगा. अगर एटीपी नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा. अब यहाँ पे एटीपी की हमने पहले प्रोडक्शन कर ली हुई है ना यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि जब एटीपी की प्रोडक्शन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि जो वो चैनल है पोटाशियम चैनल वो एक्टिवेट हो जाएगा. जब एक्टिवेट कह रही हूँ उसका क्लोजर जो है वो हो जाएगा, यानी कि वो पहले एक्टिवेटेड फॉर्म में था, अब वो क्लोज हो गया है. पोटाशियम जो है वो अंदर ही सेल के अंदर ही रहेगा. ये मैं अभी आपको डायग्राम से बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको लिख के भी समझाऊंगी, फिक्र नहीं करनी, ठीक है. अब क्या होगा, जब एटीपी प्रोड्यूस हो गई है तो एटीपी प्रोड्यूस होने से क्या है कि जो सब्सिक्वेंट क्लोजर ऑफ एटीपी डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल मेम्ब्रेन डीपोलराइज. अब आपको पता है जब पोटाशियम अंदर ज्यादा हो बाहर की निस्बत तो क्या होता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है. और डीपोलराइजेशन होने के नतीजे में क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, कैल्शियम चैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर जाने लग जाता है. और आपको पता है कैल्शियम जो है वो उसका क्या मेजर एक काम सेल्स के अंदर क्या होता है कि जो सेल्स के अंदर जो वेसिकल्स होते हैं ना उसकी उसने मेम्ब्रेन्स को डिफ्यूज करवाना होता है सेल की मेम्ब्रेन के साथ. और फिर इस तरीके से देखो ये जो इंसुलिन जो है ये सर्कल के अंदर जो है ये हुई हुई है वो फिल हुई हुई है. अब क्या कैल्शियम आएगा उसको उधर से उसकी मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करवाएगा और इंसुलिन बाहर मॉलिक्यूल जो है इंसुलिन के बाहर निकल आएंगे सेल से, ठीक है. ये सब काम कौन करवा रहा है, ये हमारे, मैं बताती हूँ, जो ड्रग्स हमने ऊपर पड़ी हैं वो करवा रही हैं, यानी सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स जो हम इधर पढ़ने लगे हैं. इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एंडोजीनस इंसुलिन बाय प्रमोटिंग द क्लोजर ऑफ पोटाशियम चैनल इन द पैंक्रियाटिक बी सेल मेम्ब्रेन. अच्छा, अब ये सारा काम जो है जो सेल का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वो जो था वो पैंक्रियाटिक सेल में था, ठीक है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल था वो, ठीक है. एंडोजीनस इंसुलिन से क्या मुराद है, एंडोजीनस इंसुलिन वो होती है जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है अंदर, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट. इसने ना, अब ये जो ड्रग्स है ना ये हमने है नॉन इंसुलिन वाली ड्रग्स हैं, ठीक है, नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स. इनका काम पता क्या है, इनका काम ये नहीं है कि इन्होंने इंसुलिन ही प्रोवाइड करेंगे बाहर से. ये क्या कह रही है, ये जो पहले से अंदर मौजूद है ना इंसुलिन उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, ठीक है ना. अब दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो आप इंसुलिन बाहर से दे दो या फिर जो अंदर प्रेजेंट है इंसुलिन उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दो. तो यहाँ पे वो काम हो रहा है. अब क्या होगा कि चैनल जो है क्लोजर डीपोलराइज, ये सारी बात जो है ये मैं आपको लिख के बताती हूँ अभी, क्योंकि यहाँ भी आपको रीडिंग करने से ज्यादा समझ नहीं आएगी. अच्छा, आगे उसने क्लासेस का बता दिया कि ये ड्रग्स जो है ना इसमें कौन कौन है, सल्फोनाइल यूरिया जो है ना ये मेजरली इस कैटेगरी में आती हैं. और इसकी आगे जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी है, ग्लाइब्यूराइड है, ग्लिपिजाइड है, ग्लिमिपिराइड है. इसके बाद जो आर कंसिडरेबली मोर पोटेंट कौन सी होती है, जिसकी थोड़ी क्वांटिटी रिक्वायर होती है ज्यादा इफेक्ट देने के लिए. और इसके बाद ओल्डर एजेंट यानी जो पुराने उन इस कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन वो पुराने वैसे है कि ये देखें यहाँ से ये एंटर हुआ है, एंटर होकर क्या होगा यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा. आपको पता है ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है एटीपी की फॉर्म में, वो रिलीज होगी. रिलीज होने के बाद क्या होगा, ये जो ऊपर चैनल है ना हमारे पास, ये जो चैनल है ना ये है एटीपी डिपेंडेंट, यानी एटीपी की मतलब की प्रेजेंस में ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा. अब ये क्या करता है कि जब एटीपी डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल है, जब एटीपी की प्रोडक्शन होती है ना तो ये जो है ना ये क्लोज हो जाता है, ठीक है,
सब्सिक्वेंट क्लोजर ऑफ एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल. इससे क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है. डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जब क्लोज हो जाएगा तो पोटेशियम अंदर ही रह जाएगा ना, अंदर ज्यादा पोटेशियम हो जाएगा और बाहर कम हो जाएगा. डीपोलराइजेशन हो गई. जब डीपोलराइजेशन होती है हर केस में तो आगे क्या होता है कि जो कैल्शियम वाला है, कैल्शियम जो आइंस होते हैं ना, कैल्शियम का जो चैनल होता है वो ओपन हो जाता है जब डीपोलराइजेशन होती है. जब डीपोलराइजेशन होगी तो कैल्शियम अंदर आने लग जाएगा, बहुत सारा कैल्शियम अंदर आया. कैल्शियम अंदर आने से क्या होगा, सेल के अंदर इंसुलिन जो था वेसिकल की फॉर्म में पड़ी हुई थी, तो वो क्या होगा, वो उसको इधर से उठा के इधर ले आएगा और इन्फ्यूज करवा देगा सेल वॉल के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ, और यहाँ पे इंसुलिन सिक्रीट हो जाएगा. सिंपल सा ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. सिर्फ ये आपने याद करना है अच्छे तरीके से. और ये क्या करती है, ड्रग्स क्या करती हैं कि ये जो हैं, ये जो हैं, ये सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स, ये इसको इनहिबिट कर देती हैं, पूरी तरह इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है. और इससे क्या होता है कि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्शन जो होती है वो इंसुलिन की होती रहती है, ठीक है. किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी ये सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स का आपने क्या बोला कि क्या करती है? मैं आपको बताती हूँ, ये देखे ना क्या होता है कि जब यहाँ पे पोटेशियम हमारे पास ज्यादा हो रहा होता है ना, तो उससे क्या होता है, कैल्शियम आयंस जो है हमारे पास ज्यादा अंदर आ रहे होते हैं. तो हमारे पास कैल्शियम आयंस जब ज्यादा अंदर आ रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, उससे जो है हमारे पास इंसुलिन की ज्यादा इन्फ्यूजन होती है उसके साथ. और ये जो ड्रग्स हैं ये इस चैनल को इनहिबिट करवाएंगी, यानी इस चैनल को बंद करवा देंगी, ताकि जो पोटेशियम है वो अंदर ही रहे. जब वो अंदर ही रहेगा तो जाहिर बात है अंदर होने से क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो गया. जब वो अंदर ही रहेगा तो फिर क्या होगा, फिर वही काम, कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा अंदर आता जाएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है इंसुलिन रिलीज होती जाएगी. मतलब चैनल का काम तो यही है ना, बाहर को जाना. लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ दीज ड्रग्स व्हाट विल हैपन, दिस विल ब्लॉक दिस चैनल, दोस ड्रग विल ब्लॉक दिस चैनल एंड दे विल कॉज डीपोलराइजेशन एंड अल्टीमेटली दे विल कॉज influx of calcium into the cell, which will ultimately cause release of insulin from those vesicle, ठीक है, और वो नीचे बाहर आ जाएगा insulin, ठीक है. अभी भी किसी का confusion?